पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ गिरफ्तारी के बाद 2 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर, इस दौरान मुशर्रफ को उनके फार्म हाउस में ही रखा जाएगा। जेपीसी रिपोर्ट के मसौदे पर पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा को 2G घोटाले के लिए बताया गया जिम्मेदार, कहा प्रधानमंत्री और चिदम्बरम को राजा के फैसलों की नहीं थी जानकारी। कैबिनेट ने पिछड़ा क्षेत्र विकास के तहत बिहार को दी 12,000 करोड़ रुपए की राशि। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 8% की बढ़ोतरी को भी मिली मंजूरी। पुणे के जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले के एकमात्र दोषी मिर्जा हिमायत बेग को सत्र अदालत ने सुनाई मौत की सजा। FBI ने बोस्टन धमाकों के 2 संदिग्धों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए। राष्ट्रपति ओबामा हादसे में मारे गए लोगों की शोक सभा में हुए शरीक। इराक में कल देर रात एक कैफे में हुए बम हमले में 27 लोग मारे गए। इराक से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां पर हो रहे चुनाव से कुछ दिन पहले ही इस तरह के विस्फोट किए जा रहे हैं। इस हमले में कम से कम 3 बच्चे और 1 महिला के मारे जाने की भी खबर। भारतीय खिलाड़ी पीवी संधु ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी चीन की शिशियान वांग को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि परुपल्ली कश्यप के 3रे दौर में चीन के हुआन गाओ के हाथों हार से भारत की पुरुष सिंगल्स में चुनौती हुई खत्म। पारंपरिक हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। देश भर के मंदिरों में हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा अर्चना। आज ही के दिन स्वदेश में निर्मित देश के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। उपग्रह का नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। 360 किलो का यह उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। मशहूर पत्रिका टाइम ने विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में इस बार अभिनेता आमिर खान को भी शामिल किया। उन्हें एक फिल्म स्टार और कार्यकर्ता बताया गया है। आमिर खान को उनके टीवी शो सत्यमेव जयते से काफी लोकप्रियता मिली थी। आमिर ने इस शो में जिन मुद्दों को उठाया वे मुद्दे काफी सुर्खियों में रहे थे।